हेलो दोस्तों, आप सभी का डायरेक्शन विजन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हम लोग फोर्स एनालिसिस में किसी दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है। देखिए, स्लॉट है और स्लॉट में कोई स्फीयर रखा गया है। इस पे दो तरह का न्यूमेरिकल आपका फिगर भी आपको पेपर में सेमेस्टर एग्जाम में देखे होंगे। तो एक तरफ से 30 है, दूसरे तरफ से 60 है और आपको निकालना है रिएक्शन। जहां पर एक कॉन्टेक्ट कर रहा है स्फीयर, इस पे दोनों जगह पर रिएक्शन निकालना है। फिर कह रहा है कि यदि कोई तल है और ये आप यहाँ पर 90 डिग्री हो जाए, फिर आपको यहाँ और यहाँ दो जगह रिएक्शन डिटरमाइन करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं जीव और काई बेसिस पर। देखिए, पोस्ट है, काई है, जीव है। और एक बार क्या करता है, एक टाइप के न्यूमेरिकल में यहाँ और यहाँ दोनों एंगल देता है। जीव और काई का हॉरिजॉन्टल से एंगल दे देता है। कभी कभी क्या करता है कि ये हॉरिजॉन्टल से एंगल ना देकर के वर्टिकल से देता है, तो आप हॉरिजॉन्टल से निकाल लेते हैं। मींस एंगल दिया रहता है। यदि एंगल नहीं देता है तो उस केस में लेंथ दे देता है। तो जैसा कि यहाँ पर लेंथ दिया है, देखिए 5 मीटर, 10 मीटर और 14 मीटर। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपने तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा। बहुत ही अच्छे से इसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसको मिटाते हैं। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर जी बोर टाई वाला डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग स्फीयर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्फीयर वाला, फिर उसके बाद जी बोर टाई वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्फीयर वाले में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन देखेंगे। तो जब भी कोई रिएक्शन कार्य करता है वो हमेशा परपेंडिकुलर कार्य करता है। लेकिन कोई प्लेन हमारा है, ये प्लेन है और प्लेन के परपेंडिकुलर, जाहिर सी बात है कि ये परपेंडिकुलर एक रिएक्शन कार्य करेगा और इसका नाम कुछ मान लेंगे। सिमिलरली ये प्लेन है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन कार्य करेगा और इसका नाम हम लोग कुछ मान लेते हैं। इसका नाम हमारा R1 हो जाता है और इसका नाम R2 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा इसी में और ज्यादा आगे इसको कंटिन्यूस कर देते हैं जरूरत पड़ेगा तो। या ऐसे कह सकते हैं कि ये हमेशा ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये 90 ऑलरेडी है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आप चाहे तो इसको आगे प्रोजेक्ट कर दीजिए, ऐसे आप आगे प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये 90 है, ये भी 90 है। या एक काम करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, आप पूरे इस वाले में चले जाएंगे। देखिए, इस पूरे ये वाला एंगल जो है, आपको क्या लग रहा है कि ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका कितना है, 90 डिग्री। ये पूरा 90 डिग्री है और उस केस में आप डिस्कस करेंगे या ऐसे देख लेंगे, 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री। यदि इस ट्रायंगल में चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और इस पूरे में जब चलेंगे, ये 90, ये 30, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। फिर से सुनिए, हमने कहा इस छोटे वाले में जब चलेंगे तो ये 60 है और यहाँ पर ये 90 है, क्योंकि ये 90 तो ये 90 डिग्री है। तो ये 60 और 90 तो 30 हो जाएगा। और पूरा इस वाले ट्रायंगल में जब चलेंगे तो ये आपका 90 है, 30 है, ये वाला 60 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लामिच के प्रमेय से लगाएंगे। देखिए, पहले लामिच का प्रमेय कब लगता है, जब किसी बिंदु पर तीन बल हैं और लगे हैं, थ्री फोर्स लगा है। देखिए, एक फोर्स R1, दूसरा फोर्स R2, तीसरा फोर्स R3 यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे, आगे इसको बढ़ा दीजिए, आगे हम बढ़ा दिए। ये वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री और इधर वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं एक एक के बीच में, यानी कि दो फोर्स के बीच में एंगल निकालते हैं। देख रहे हैं, ये दोनों बल हैं, इन दोनों बलों के बीच का एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। अब आते हैं, एक फोर्स ए है, एक फोर्स ए है, दो फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, तो आप बताइए कितना होगा। सिंपल सा, चाहे तो एक काम कर सकते हैं, ए वाला और इधर वाला फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, सॉरी एंगल कैलकुलेट करना है। तो आपको ए एंगल निकालना है, ए एंगल निकालना है।
आपको यदि ये एंगल मालूम करना होगा तो ए पूरा 180 बनेगा, लेकिन इसमें 60 है घटा देंगे तो ए वाला जो एंगल होगा 180 माइनस 60। और यदि हमको इस वाले एंगल को कैलकुलेट करना होगा तो पूरा इधर 180 बन रहा है, लेकिन इधर से जो बनेगा 180 माइनस 30 इधर हो जाएगा, 180 माइनस 30। आपके पास जो बन जाएगा ये फिगर कुछ इस प्रकार से, जो यदि हम लोग को देखेंगे यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। ए आपका R2 है और ये आपका R1 है और इधर आपका फोर्स कितना लगा है, 6 न्यूटन का लोड लगा है। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 है, और ये वाला जो एंगल घटाएंगे 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, और इधर से आपका 180 में से 30 गए 150 डिग्री हो जाएगा। आपको यहाँ पर लॉमी का प्रमेय लगाना है और R1 अपान इसके बीच का एंगल साइन ऑफ 120, फिर R2 अपान साइन ऑफ, देखिए R2 अपान दोनों के बीच का एंगल साइन ऑफ 150 एंड 6 अपान साइन 90। तो यहां पर कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 अपान साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 होता है साइन ऑफ 120। इसको सॉल्व करेंगे सिमिलरली यहाँ पर R2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 अपॉन साइन ऑफ 90 इनटू साइन ऑफ 150। आपको कैलसी में रखना है, आराम से कुछ नहीं करना है, साइन 120 यानी 120 इनटू 6 को मल्टीप्लाई करना है जो भी आंसर आएगा, और आपको यहाँ पर लिख देना है। तो 5.96 न्यूटन R1 की वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली यदि R2 निकालना है, निकल 150 साइन 150 इंटू 6 और ये हो जाएगा 3 न्यूटन, तो R2 की वैल्यू 3 न्यूटन आ जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए इसका, हम लोग जो काम किए हैं इसमें, हमने कहा पहले आप क्या करेंगे इसको मिला देंगे, हमने कहा पहले 30 डिग्री है, ये 90 है, 60 है, तो ये भी 60, ये वाला 30 हो जाएगा। फिर हमको ये एंगल कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमने कहा पहले आप काम करेंगे इसमें चलेंगे, इसमें चलेंगे तो ये आपका 90, ये 60, ये 30 हो जाएगा, फिर ये परपेंडिकुलर है, तो इधर 30, इधर 90, इधर 60, आगे हम बढ़ाएंगे तो ये वाला 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। हमारे हमको लामिच का प्रमेय लगाना है, तीन बल लगे हैं और तीनों का बीच में आपस में एंगल कैलकुलेट करते हैं, और आपस में एंगल कैलकुलेट करते हैं तो देखिए दो फोर्स लग रहा है, R1 R2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और R2 और W के बीच का जो एंगल है 100, ये पूरा वर्टिकल रहता है 180 बनता, लेकिन 60 डिग्री घटा देंगे तो यहाँ बीच में एंगल निकलेगा, ये R1 और W के बीच है एंगल, एक पूरा देखते तो 180 बनता, लेकिन 180 में से यहाँ पर क्या है 130 घटा, सॉरी 30 घटा दिए तो 180 माइनस 30 हो जाएगा, ये एंगल बन जाएगा, ये आपका आंसर। यदि हम बात करते हैं इसके लिए सिमिलरली, ये तो आंसर आपका आ गया। अब आप कहते हैं कि हमेशा जो रिएक्शन कार्य करता है वो कैसा कार्य करता है, परपेंडिकुलर, मतलब ये आपका मान लेते हैं R1 और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर, ये ऐसे परपेंडिकुलर कार्य करेगा और इधर जो कार्य करेगा ये सपोज किए R2, और आपको देखिए यहाँ पर ये 90 50 डिग्री ये दिया है, तो आप निकालेंगे 90 माइनस 50 तो ये हो जाएगा 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और ये आपका 90 डिग्री है तो ये आप जानते हैं कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, सही है कि नहीं, ये 50 है तो ये 40, 5 4 9 90 पूरा हो जाएगा, और इधर आपका 50 हो जाएगा, ये एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40 ये एंगल हो जाएगा। हमको तीन फोर्स दिख रहा है, एक आपका R1, एक आपका R2 और एक आपका W जो दिया है। हमको R1 और R2 के बीच का एंगल चाहिए, निकालना चाहिए, और इसके बीच A वाला एंगल चाहिए और साथ में A एंगल चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि A हमारा R1 इधर लग रहा है और इधर एक W लग रहा है, मतलब R1 जो लग रहा है वो वर्टिकल के परपेंडिकुलर रिएक्शन कार्य कर रहा है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये तो आपको दिख रहा है कि 90 बन रहा है। यदि आप चाहते हैं तो इसको और आगे बढ़ा दीजिए,
यदि ये 40 है तो ए वाला भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं और ये 40 बनता है, तो 90 प्लस 40 ये पूरा एंगल हो जाएगा। और यदि इसके बीच निकालना है तो ये पूरा 180 बना रहा है, यदि 180 में से 40 घटा देंगे तो ये दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा, मतलब आपका जो फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई, एक सर्किल है जहां पर ए आपका R1 कार्य कर रहा है और ये वर्टिकल है और यहां से हमारा 40 डिग्री पर एक रिएक्शन कार्य कर रहा है R2। हमने बताया ये 90 ये 40 कैसे आया, 40 हम लोग निकाले थे वाला, ये वाला 40 से ये 40 हो जाएगा। तो पूरा एंगल कैलकुलेट करने के बाद कितना आया, 9 4 13, 90 प्लस 40 130। हमारे पास ये W लोड है, मतलब 50 न्यूटन का लोड लगा है, हमको इसको निकालना है, इस एंगल को कैलकुलेट। हमने बताया कि ये पूरा 180 बनता है यहाँ से, इसके लाइन ये पूरा इस पॉइंट पर 180 बनता है, लेकिन इसमें से हम इसको घटाएंगे, कितना है 40 को घटाएंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, 180 में से 40 घटा देंगे तो 140 बचेगा, नहीं 140 डिग्री बचेगा, बाकी ये आपस में खुद 90 डिग्री है, मतलब ये आपस में कितना हो जाएगा 90। तो आपको मिल गया तीन फोर्स है, तीनों फोर्स के बीच का एंगल मिल गया। आराम से आप लामी थ्योरम का प्रमेय लगाएंगे, अप्लाई लामी थ्योरम, R1 अपॉन साइन ऑफ 140 डिग्री एंड R2 अपॉन साइन ऑफ 90 एंड 50 अपॉन साइन ऑफ 130। R1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 50 अपॉन साइन ऑफ 130 इंटू साइन ऑफ 140 एंड R2 की वैल्यू जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा, या इसको पहले हम लोग R2 की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो 50 अपॉन साइन ऑफ 130 इंटू साइन ऑफ 90 रख देंगे। अब यहां से कैलसी से सॉल्व करेंगे, कैलसी सॉल्व करेंगे तो 50 अपॉन साइन 130 इंटू साइन 140 जो भी आएगा उसको आप यहां पर नोट कर देंगे, आ जाएगा 41.95 न्यूटन। यदि यहां किलो न्यूटन रहेगा तो किलो न्यूटन लिखेंगे, नहीं तो न्यूटन लिखेंगे, सेम यूनिट यहां देंगे, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा में आंसर लिखेंगे 50 अपॉन साइन 130 इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा 65.27 न्यूटन। आप लोग एक बार अपने से कैसियो से चेक कर लेंगे, बाकी एंगल जो है वो सही है। एक बार फिर से सुनिए, एंगल हमने कहा कि रिएक्शन हमेशा प्लेन पर लंबवत लगता है, यहां से ये लंबवत रिएक्शन लग रहा है और यहां से एक परपेंडिकुलर रिएक्शन कार्य कर रहा है, हम लोग पहला ये काम कर देंगे 90-90 वाला, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई ये 50 है तो इसको निकाल देंगे 40, तो ये आपका 90 दे 50 दे 50 90 ये 40 आ गया, आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो ये वाला भी 40 हो जाएगा। हम लोग को पास तीन फोर्स है और तीनों फोर्स के बीच में फोर्स डिटरमाइन करना, अरे सॉरी एंगल डिटरमाइन करना है, और एंगल डिटरमाइन करने के लिए जानते हैं जब भी देखेंगे कि भाई इस पॉइंट पर कितना एंगल बनेगा, 180 बनेगा, लेकिन जब कोई फोर्स यहां पर कार्य न करके यहां पर करता है तो हमको ये एंगल निकालना पड़ता है। ये एंगल कैसे निकलेगा, यदि मान लेते हैं एंगल x है तो ये वाला 180 माइनस x कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, तो x का मान यहां कितना है 40 है, तो ऐसे हम लोग इसमें कैलकुलेट। सिमिलरली अब यहां पर आते हैं ये वाला, यहां पर अब यहां पर एंगल हमारा एक तरफ बन रहा है पूरा 180, लेकिन नहीं बन रहा है 180 यहां पर, नहीं हमारा फोर्स ऐसे लग रहा है, हमको निकालना है ये एंगल। यदि मान लेते हैं y 180 माइनस y, तो 180 माइनस वाई कभी कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल हमको मालूम नहीं है, तो ये एंगल मालूम नहीं है, तब हमको ये एंगल मालूम है भाई, ये आपका वर्टिकल है, जानते हैं ये 90 डिग्री होता है, यदि ये एक्स है एंगल तो जाहिर सी बात है 90 प्लस एक्स कर देंगे तो ये पूरा एंगल मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यही किए हैं, 90 प्लस एक्स किए हैं एक में, और एक में किया गया है 180 माइनस एक्स किया गया है,
और इस प्रकार से लामी के प्रमेय लगा करके और ये जो स्फीयर है किसी स्लॉट में ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया गया। तो इसके आगे हम लोग जीव और टाई वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको आप एक बार फिर से अपने से आप फिगर बना करके समझ लीजिएगा और आगे हम लोग जीव और टाई का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको मिटा देते हैं फिर से। तो जीव और टाई बेसिस पर जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यह पहले टाइप का जीव और टाई बेसिस पर क्वेश्चन है और ये सेकंड टाइप का है, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों को हम लोग लॉमी प्रमेय से लगाएंगे। एक में एंगल देखिए दिया रहता है और दूसरे में एंगल नहीं दिया रहता है, उसकी लंबाई दिया रहता है। तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हम एक एक को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जीव है और टाई में, जीव और टाई में फोर्स इसमें भी ज्ञात करना है और जीव और टाई में फोर्स इसमें भी ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं, अच्छा कभी कभी जीव पर थ्रस्ट पर फोर्स लगता है, मतलब आप इसमें टेंशन इसमें कंप्रेशन फोर्स लगता है। मान लेते हैं कि इसके जो फोर्स इस पे कार्य करता है वो आपका पी फोर्स कार्य कर रहा है और इस पे जो फोर्स कार्य कर रहा है वो आपका क्यू फोर्स कार्य कर रहा है और ए आपका एक फोर्स है वो डब्ल्यू फोर्स कार्य कर रहा है जिसकी वैल्यू आपका 10 किलो न्यूटन है। यदि हम यहाँ पर लामी का प्रमेय लगाना चाहेंगे तो आपको इन फोर्स के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा और इनके P और W के बीच का एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा और साथ में इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग एंगल को कैलकुलेट करना प्रारंभ करते हैं। पहले तो ये 45 वाले को देखते हैं, ये 45 है ये 90 है, तो आपको क्या लगता है ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 45 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर इसको आगे प्रोजेक्ट करते हैं 90 ए 60 तो ए वाला एंगल सिर्फ इतना एंगल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ए वाला एंगल जो हो जाएगा वो आपका 30 हो जाएगा और बचा हुआ ये एंगल कितना होगा, तो कहेंगे भाई 45 माइनस 30 यानी 15 हो जाएगा। अब आपको निकालना आसान होगा। हम लोग पहले पी और क्यू के बीच का एंगल डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका P फोर्स है और ये आपका W है और ये आपका कुछ ये आपका ये P की लाइन है, ये कुछ इस प्रकार से Q की लाइन हो जाएगा। सपोज ये P की लाइन है Q की लाइन है। यहां पर 15 डिग्री का कोण बना है, कितना बना है 15, यानी ए आपस में 180 डिग्री बनाता, लेकिन यहाँ पर इतना ये आपका क्या है Q है और ये आपका P है, लेकिन यहाँ पर 180 न बनाकर के Q कुछ ऊपर ही लगा है। कितना ऊपर लगा मान लेते हैं X, ए वाला जो एंगल बनेगा 180 माइनस X, तो यहाँ का जो एंगल हो जाएगा ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ 180 बनता है, लेकिन इसमें से 180 में से 15 को हम लोग घटा देंगे तो ये एंगल बनेगा। सिमिलरली यदि हम इसको यहाँ पर फिर से समझाएं कि भाई ये P का डायरेक्शन है और यहाँ पर ये W का डायरेक्शन, हमको निकालना है ये एंगल, ये पूरा एंगल 180 बन रहा था, लेकिन यदि ये एंगल यहाँ से घटा दिया जाए मतलब X एंगल X घटा दिया जाए तो आपको निकालिए इस X का मान हम लोग कितना देख रहे हैं 30 है, मतलब 180 माइनस 30 कर देंगे ये निकल जाएगा। तो आपके सामने ये बन गया हमारे पास एक P और एक Q और W, P और Q के बीच का जो एंगल निकलेगा 180 माइनस 15 180 माइनस 30 और इनके बीच का एंगल आपको 45 दिख रहा होगा। हम लामी का प्रमेय लगाएंगे तो पहला हम P अपान साइन कितना करेंगे 45, Q अपान कितना करेंगे साइन ऑफ 180 माइनस 30 एंड Q is equal to हमने लिख दिया है 180 माइनस 30, P is equal to लिख दिया है और W is equal to लिखना है साइन ऑफ 180 माइनस 15। एक बार फिर से लाइन बढ़ाते हैं आगे 45 Q अपान साइन ऑफ 150 W अपान साइन ऑफ 1 और ये हो जाएगा 65 हो जाएगा 165 पे एंगल हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं
और P is equal to W, W की वैल्यू 10 किलो न्यूटन है अपॉन साइन ऑफ 165 इनटू साइन ऑफ 45, जो आएगा यहां पर आ जाएगा आंसर। Q की वैल्यू को आगे को 110 किलो न्यूटन साइन ऑफ 165 इनटू साइन ऑफ 150। सॉल्व करेंगे कैलसी से, इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे और इसको लिखेंगे 10 अपॉन साइन 165 इज इक्वल टू इनटू साइन 45, साइन 45 और आंसर आ जाएगा 27.32 किलो न्यूटन में है, तो किलो न्यूटन में पी की वैल्यू। सिमिलरली यदि क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे 10 अपॉन साइन 165 इनटू साइन 150, जो आएगा आप यहां पर लिख देंगे 19.31 किलो न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जब टाई और जीव दोनों हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर दिया रहता है। तब यदि सपोज यहां 30-45 डिग्री 30 होता तो आप यहां पर पूरा ये 30 हो जाता है, पूरा 90, तो पूरा एंगल 60 हो जाता। तो यहां आपका एंगल 60 हो जाता, उसके टर्म्स में आप निकाल दे और ये एंगल बदल जाएगा, ये एंगल बदल जाएगा, प्रोसेस सेम रहेगा उसी प्रकार से लगाने का। सिमिलरली आगे हम लोग इसमें आते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा यहाँ पर, और इसको हम पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम के तौर पर यहाँ पहले डिस्कस कर देते हैं। तो इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाते हैं, आपको कुछ इस प्रकार से फिगर देखने को मिल जाएंगे। ये आपका W लोड लग रहा है, W की वैल्यू कितना है 8 किलो न्यूटन, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो P लग रहा है, और ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो Q लग रहा है, और इनकी जो वैल्यू दिया गया है 40 मीटर है, और यहाँ आपका 10 मीटर है, और ये वैल्यू जो है वो 5 मीटर है। हम मान लेते हैं कोई एंगल एंगल सपोज की एंगल मानते हैं कि यह मान लेंगे कि अल्फा है और यह बीटा है। जब ये अल्फा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये एंगल कितना हो जाएगा, यदि ये एंगल है अल्फा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और तो यदि इनके बीच का कोण निकालना पड़े, ये W और P के बीच का कोण निकालना पड़े, तो आपको लगेगा कि 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। यदि आपको यह बीटा है, ये अल्फा है, और यदि गामा हो जाए, तो यहां पर आपको लगेगा कि ये 180 माइनस गामा हो जाएगा। किसके किसके बीच में, P और Q के बीच में 180 माइनस गामा हो जाएगा। अब आते हैं इनके बीच का एंगल टोटल, ये आपका, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये अल्फा प्लस गामा हो जाएगा टोटल। यानी आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, तो चाहे तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा कर सकते हैं। हम लोग आगे चल के इसको करेंगे, तो अभी इसको रहने देते हैं। हमारे पास तीन फोर्स लग रहे हैं, P, Q और R, एक बिंदु पर लग रहे हैं, P, Q और W, P, Q और W, थ्री फोर्स लग रहे हैं, और तीनों फोर्स के बीच में आपने क्या निकाल लिया, एंगल निकाल लिया। एक का एंगल 180 माइनस गामा, एक का एंगल 180 माइनस अल्फा, और एक का एंगल आपका गामा प्लस अल्फा। हम लामी का प्रमेय लगाएंगे इसके लिए, लामी का प्रमेय लगाएंगे, यही लामी का प्रमेय लगाते हैं, तो P अपान कितना होगा, साइन एंड गामा प्लस अल्फा, एंड Q अपान, देखिए Q अपान इनके बीच का एंगल, साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा, एंड W अपान ए W अपान साइन ऑफ 180 माइनस गामा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P अपान साइन ऑफ 180 माइनस बीटा, Q अपान साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा, एंड W अपान साइन ऑफ
180 माइनस गामा, ये कैसे लिखा गया है, हमने फिर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा। आपको साइन 180 माइनस बीटा, पी अपॉन साइन ऑफ बीटा, क्यू अपॉन साइन ऑफ अल्फा एंड डब्ल्यू अपॉन साइन ऑफ गामा। डब्ल्यू की जगह पर हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 8 किलोन्यूटन। इसको हम समीकरण एक हम एज्यूम कर लेते हैं। साइन रूल से क्या होता है, साइन रूल यदि लगाएंगे यहाँ पर किसी ट्रायंगल में, यदि इसका नाम दे देते हैं ए बी और यहाँ पर सी, साइन रूल लगाएंगे तो देखेंगे कि हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए बी अपान दिस एंगल, ए सी अपान दिस एंगल, बी सी अपान दिस एंगल। तो हम पहले बीटा वाला एंगल कैलकुलेट, मतलब यहाँ पर ये लिखते हैं ए सी अपान क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ए सी अपान साइन बीटा, ए सी अपान साइन बीटा, और फिर हम लोग क्या करेंगे बी सी अपान साइन अल्फा, बी सी अपान साइन अल्फा एंड ए बी अपान साइन गामा, यह समीकरण दो हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग इन दोनों में आपस में कंपैरिजन कर देते हैं। कंपैरिजन करेंगे तो देखिए क्या होगा, पी अपान साइन बीटा और यहाँ पर है ए सी अपान साइन बीटा, क्यू अपान साइन अल्फा, बी सी अपान साइन अल्फा, एट अपान साइन अल्फा, ए बी। तो हम कह सकते हैं कि पी प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, ए सी के, और Q प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, Q प्रोपोर्शनल टू बी सी एंड एट प्रोपोर्शनल टू ए बी, ऐसे लिख सकते हैं या आराम से ऐसे P अपान ए सी इज इक्वल टू Q अपान बी सी इज इक्वल टू एट अपान ए बी हो जाएगा। और आपको निकालना है P की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से P इज इक्वल टू एट यानी AC into 8 upon AB, इसकी वैल्यू रखेंगे AC की वैल्यू, AC की वैल्यू कितना है 14, 14 8, AB की वैल्यू कितना है 5, इसको हम कैलसी से सॉल्व करेंगे 14 into 8 upon 5 22.4, यदि किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन यहाँ आंसर हो जाएगा P की वैल्यू। दूसरे में हम लोग दूसरे में Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपान ए बी इंटू बी सी, और इसको 8 अपान ए बी, ए बी की वैल्यू कितना है 5, बी सी की वैल्यू कितना है, बी सी की वैल्यू 10, तो 80 अपान I is equal to 16, तो आपका ये Q की वैल्यू कितना आ जाएगा 16, तो किलो न्यूटन आपका 16 आ जाएगा, तो आंसर आपका एक हो जाएगा 22.4 और एक हो जाएगा 16 किलो न्यूटन। तो ये हम लोग 4 न्यूमेरिकल अभी आज देखे हैं। एक हम लोग एक स्लॉट है जिसपे स्क्वायर में हम लोग दो तरह का क्वेश्चन देख लिए, जब एक तरफ से 30 था दूसरे तरफ से 60 था जो कंफ्यूजन था, और कभी एक 90 डिग्री था दूसरे में 60 डिग्री था, और बाकी ये आपका है एक जीव और टाई बेसिस पर जिसमें एंगल दिया है और इसमें एंगल नहीं दिया है। तो इस तरह सा क्वेश्चन आप लोग पे एग्जामिनेशन में पुटअप होते हैं और आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कभी करता है, सपोज कि आपका कभी जीव और टाई वाला ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि एकदम हॉरिजॉन्टल दिया है, ऐसे दे दिया है, यह आपका टाई है और यह आपका जीव है, और बिल्कुल आपको ये एंगल मतलब एंगल नहीं देता है, तो सिंपल सा इसकी इसकी वैल्यू देता है, तो आप इसकी वैल्यू पैथागोरस प्रमेय से लगा लेंगे, यहाँ इसको थीटा मान लेंगे और इसके बाद एक आप इसको पी मानेंगे, इसको क्यू मानेंगे और ये वाला जो होगा वो डब्ल्यू मानेंगे, ये एंगल निकाल लेंगे कि 180 माइनस थीटा हो जाएगा। जब ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा और ये एंगल आप निकाल, यदि ये थीटा है तो यहाँ से आप 90 माइनस थीटा कर लेंगे इसको, और जितना आएगा फिर 180 माइनस
यदि ये x आता है तो 180 माइनस x कर लीजिएगा और बाकी इन दोनों को आपस में 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब p अपान साइन 90 90 और q अपान 180 माइनस x जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहां से w अपान साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जैसे सब कुछ चार दिया, ये तीन हुआ था, चार दुख 16 9 16 9 25 पांच, ये पांच आ जाएगा। तो ओवरऑल कुछ इस प्रकार से आप लगा लेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मींस ये आपका जो टाई है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो बाकी रूल यही है इन दोनों का, एक में एंगल देता है दूसरे में एंगल नहीं देता है, तो दूसरे में एंगल नहीं देता है तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग आज जो देखे जीव और टाई और एक स्लॉट है जिसमें स्फीयर को देखा गया, आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे।